कांगड़ा चंबा से कांगड़ा चंबा प्रत्याशी पवन काजल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा जातिवाद फैलाकर लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। उन्होंने कहा कि जुमलों तक सीमित प्रदेश सरकार सवा साल में स्कूली बच्चों को वर्दी तक उपलब्ध नहीं करवा सकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा के नेताओं ने ही नारा लगाया था कि प्रदेश भाजपा को बचाना है तो मोदी को भगाना है। उन्होंने कहा कि पवन काजल के विरुद्ध भाजपा के लिए कुछ नहीं है और जब उन्होंने सीमेंट कारखाने की बात कही तो भाजपा नेताओं ने उसकी तुलना चौधरी हरिराम पार्क की सफाई से करनी शुरू कर दी। भाजपा के मुकाबले कांग्रेस के प्रचार में कमी है, लेकिन जिस प्रोडक्ट की मशहूरी अधिक होती है वह गुणवत्ता में सही नहीं होती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश की चारों सीटों पर जीत हासिल करेगी, लेकिन कांगड़ा चंबा के लिए लोगों ने अभी से कांग्रेस की सीट पक्की करना शुरू कर दिया है। बात ये भी है, कई कई लोग ऐसे बोल रहे हैं, ये तो कांगड़ा से बाहर गया ही नहीं है। बिल्कुल नहीं गया। मैं जब मैं जिला परिषद था लोग बोलते थे ये जिला परिषद है, इंडिपेंडेंट खड़ा हो गया, ये जिला परिषद के बाहर तो गया ही नहीं है। इसको तो 5,000 वोट मिलेगा तो उनके सामने मैं MLA बन गया। उसके बाद फिर उन्होंने बोला भी जो भी था फिर मैं दोबारा MLA बन गया। अब वो बोल रहे हैं इस जिला कांगड़ा के बाहर तो ये लड़का है छोकरू है तो गया नहीं है, ये तो गया नहीं है, इसको कैसे वोट देंगे। पर उनको ये पता नहीं है, जनता सब जानती है, जनता सब जानती है। मैं आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के जो हमारी टॉप लीडरशिप है उनका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे ऊपर जो जिम्मेवारी दी है, आने वाले टाइम में देखो कांगड़ा चंबा में पवन काजल हो जाएगा। ये जो भारतीय जनता पार्टी के जुमलों से बचो और एक अच्छी संस्कारित पार्टी कांग्रेस पार्टी को यहाँ लाओ तभी देश को बचाओ। यही लोग, एक बात और बताना चाहता हूँ, अपने मतलब हिमाचल सरकार ने क्या किया उसकी कोई बात नहीं हो रही है। जो हमारे मंत्री है, जिला कांगड़ा के मंत्री है, उन्होंने किया उसकी बात नहीं हो रही है। जी मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी ऊपर से आएंगे, कितनी बार आएंगे हिमाचल में, कितनी बार, एक बार इलेक्शनों में आएंगे, इलेक्शन दौरान में आएंगे और उड़ के दिल्ली चले जाएंगे, गाड़ी लेकर दिल्ली चले जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही लोग आज मैं बात करूं, करना नहीं चाहता था पर आपने पूछ लिया तो करना चाहता, यही लोग एक टाइम था 1998 में मोदी जी यहाँ पे प्रभारी होते थे, इन्होंने नहरा चलाया पे मोदी को यहाँ से भगाओ, कहने भारतीय जनता पार्टी को बचाओ। हाथ हो गए तो बोलने की बात थोड़ी है यार, कहाँ गई राजनीति, कहाँ गई डेमोक्रेसी, कहाँ गया लोकतंत्र। सच्चाई पे चलो, सच्चाई के साथ जनता के साथ चलो, सच्चाई के साथ चलो तभी जनता वोट देती है। आपका कोई हक नहीं है, आपने धोखा किया है हिमाचल प्रदेश की जनता से।